वेलकम बैक टू आर ब्रांड न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपको हमारे ब्लॉग्स भी अच्छे लग रहे होंगे। तो अभी समय हो रहा है 10 और हम लोग आज 9 बजे निकलने वाले थे, मामा जी के घर जाने वाले थे। वहाँ पे मतलब लोकनाथ पूजा है जिसमें हम इनवाइटेड हैं, तो हम जाएंगे। और माँ ने तो सुबह सुबह जाने बोला था, लेकिन इतने सारे काम थे वो करते करते तो टाइम लग गया। तो अभी कौस्तुभ गया है नहाने, वो आता है तो हम लोग जाएंगे। फिर तो निकलेंगे, आई थिंक निकलते निकलते 10:30 ही बच जाएंगे। और गर्मी है भयानक एकदम ही, कुछ भी मतलब होता है ना, ऐसे ड्रेस्ड अप होने का मन तो हो नहीं रहा था, लेकिन अब जाना है कहीं तो फिर अच्छे से ही तैयार होकर जाना पड़ता है। तो चलिए इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आई होप हमारे ये ब्लॉग आपको बहुत 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 अच्छा लगेगा। आज मैंने पहनी है एक न्यू कुर्ती, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लग रहा है। अच्छे से दिख नहीं रहा होगा क्योंकि मिरर थोड़ा साफ करने वाला है, इसीलिए तो यही मैं पहन के जा रही हूँ आज। तो हम लोग अभी निकल चुके हैं, बहुत ही गर्म है बाहर, इतनी गर्मी है कि आपको बता नहीं सकते हैं। तो चलिए अब आपको जाके ही बात करेंगे। लेकिन वहाँ पे पूजा बहुत ही सिंपल है, मतलब कुछ लोग नहीं आ रहे हैं, बस हम फैमिली वाले होंगे। फिर भी मैं इतनी ओवर ड्रेस्ड हूँ, पता नहीं क्यों, बट ठीक है चलो चलते हैं। रूबी को मैं अभी बिस्किट ला के दी, पर वो यहाँ पे भाव खा रहा है। बिस्किट नहीं खाना है, खाओ जाके स्कूबी, बिस्किट खाओ। क्या सोच रहे हो तुम, क्या सोच रहे हो? गो ईट, खाओ। थोड़ी देर चिल करेंगे, फिर शाम को हम निकलेंगे। तो पूजा रूम भी आपको दिखा दिया है, पूजा एक हो गया है और एक होना बाकी है। तो ये है आज का लंच प्रसाद, बहुत कुछ है, देख लीजिए आप लोग, देख के पता चल जाएगा। तो हम पहुंच गए हैं स्वर्णिक कौस्तुभ की साइट पे जा रहे हैं। यस, मैं साइट पे जा रहा हूँ। जिन लोगों को लगता है मैं काम नहीं करता हूँ वो लोग सही है, पैसे मुझे ऐसे ही मिलता है। मेरे घर पे एक पेड़ लगा हुआ है। उसी से मैं आवारा गर्दी करता हूँ। और करवाते हो? हाँ, वो बात नहीं सही। तो हम आ गए हैं कौस्तुभ की साइट पे, यहाँ पे रहेंगे, देखते हैं उसका कब तक काम है। और अगर ज़्यादा देर काम हुआ तो फिर मैं अपना काम भी कर लूँगी यहाँ पे, तो देखते हैं। कोको तो अभी कौस्तुभ का काम हो चुका है, हम लोग अब जा रहे हैं घर वापस, मतलब मामा जी के घर ही जाएंगे। पर उस बीच कौस्तुभ का एक बैंक का काम है, जैसे कि कभी कभी होता है, आप लोगों ने देखा है। तो वो बैंक गया है और मैं अंदर एसी में बैठी हूँ क्योंकि बाहर भयानक गर्मी है, भयानक मतलब बहुत ही गर्मी है। मैं तो हाई मतलब एकदम एसी वेसी चला के बैठी हुई हूँ और बाहर तो चुभती गर्मी है, पता नहीं क्यों ऐसी गर्मी है। लेकिन फोरकास्ट में दिखा रहा है कि 40% चांस, 50% चांस बारिश का, लेकिन यहाँ पे तो बारिश का कोई नाम निशान ही नहीं होने वाला है। 3 दिन तो नहीं होगा आई थी, अब पता नहीं है, आप लोग को देख के भी लग सकता है हम लोगों की इतनी ज़्यादा ही गर्मी है। तो अब वेट करती हूँ और क्या ही कर सकते हैं, सोचा कि वेट करते करते आप लोगों से थोड़ा बात कर लें, आप लोग को अपडेट दे दें
और जहाँ पे मैं उसके टैंक के घर जहाँ पे गई थी वहाँ पे इतना क्यूट सा डॉगी था, रूही रैन के घर गए थे बेसिकली, आप लोग आप तो जानते ही होंगे, तो उनका एक डॉग है कोको, तो ही इज़ वेरी क्यूट, पूरा मतलब एकदम पर बॉल जैसा, बहुत ही क्यूट सा, मेरे को तो मन कर गया कि मैं ही वो ले लूँ, मैं ऐसा ही एक डॉग। तो वैसे बहुत सारी बातें हो गई, आई होप कौस्तुभ का काम जल्दी ख़त्म हो जाए और मुझे ज़्यादा वेट ना करना पड़े और घर जाके आराम से थोड़ा थोड़ी देर के लिए सो जाए और आपसे बात करेंगे उसके बाद। यहाँ पे जो गर्मी है ना, कि मैं सोच रही थी आप लोगों से बात करूँ ताकि एसी का आवाज़ ना आए, थोड़ा एसी बंद करूँ, लेकिन थोड़ा सा भी एसी बंद करने से सफोकेशन हो रहा है, रह भी नहीं सकते हम गाड़ी में ऐसे, और इतना गर्मी है कि हम लोग ना स्टाइल भी नहीं मार सकते हैं। अगर चाहो तो बाहर जा रहे हो तो सोचा कि एकदम बाल बना के अच्छे से जाऊं, लेकिन कोई फ़ायदा ही नहीं है, इतनी गर्मी है कि आपको ऐसे बांध के ही जाना पड़ेगा। तो वही मैं सोच रही थी कि भाई इतना क्यों गर्मी है इस साल, मतलब यूजुअली कोलकाता में गर्मी होता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा है इस साल, मतलब एकदम भी रहा नहीं जाएगा वैसे। वो तो अच्छा हुआ कि मंडे को हम लोग का ट्रिप है, तो जिसके बारे में मैंने आप लोगों से अभी तक बात नहीं की है, लेकिन आप लोग को मैंने बताया तो है कि हम लोग जा रहे हैं कहीं पे, तो पैकिंग करते करते आप लोग को बताऊंगी कि कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ पैक भी नहीं किया है। आज इनविटेशन था तो यहाँ पे आए हैं, अब रात तक घर जाएंगे, उसके बाद देखते हैं। फाइनली कौस्तुभ आ गया है और अब हम जा रहे हैं वापस घर। हो गया तुम्हारा बैग का काम? दो करोड़ रुपए उठाया। क्या बोला तूने? मैंने एंटर किया दो करोड़, लेकिन सिर्फ दो ही रुपए निकले। गजब बेइज्जती है। अच्छा हाँ, तुम डिजर्व करते हो भाई। नहीं, एक्चुअली क्या हुआ ना, मेरे बैंक का एक नियम है कि तुम जितना भी डाल लो तुम्हारे अकाउंट में जितना होगा उतना ही निकलेगा। हाँ, बाकी को तो लोगों को तो पता ही नहीं है कि ये नंबर होता है, ऐसा कुछ होता है। आ गए हैं घर, टाइम 3:10, काफी पहले आ गए। गाइस तो हम लोग घर वापस आ गए हैं, टाइम हो रहा है 9 और इतनी गर्मी थी और टायर्ड थे तो सोचा घर पे आराम से आके डिनर करेंगे। दो हम लोग डिनर पैक करवा के लाए हैं, तो चलिए चलते हैं खाने। तो ये है आज का डिनर, सुबह वाला ही है, वही खाएंगे। तो गाइस आज हम लोग सोने वाले हैं दूसरे रूम में, क्योंकि दूसरे रूम में जब से एसी लगाया है हम लोग वो चला ही नहीं है, तो सोचा कि आज इस रूम में सोते हैं और इस रूम का एसी यूज करते हैं, देखते हैं कैसा है। और चलिए तो इस ब्लॉग को यही पे एंड करते हैं। आई होप हमारे ब्लॉग आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फाइनली निकल गए हैं, बहुत धूप है। तुम्हारा फोन मेरे पास है, दूसरा वाला मुझे पता नहीं।